आप लोगों के लिए एक और आइसक्रीम की रेसिपी लेके आई हूँ। आज जो बनने जा रहा है वो स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम मैं बनाने जा रही हूँ। इसके लिए यहाँ पे मैंने स्ट्रॉबेरी लिया है, इट्स अबाउट 1 बॉल के अराउंड स्ट्रॉबेरी लिया है। अगर पीसेस से देखें तो 4 to 5 पीसेस लिया है मैंने लार्ज साइज़ के, और अबाउट 1 बॉल या कप से देखें तो 1 कप भर के मैंने यहाँ पे व्हिप्ड क्रीम लिया है। जो व्हिपिंग क्रीम ईजली अवेलेबल होती है मार्केट में वो मैंने लिया है। और अगर आप व्हिपिंग क्रीम मार्केट की नहीं लेती हैं तो मैंने आपको व्हिपिंग क्रीम की भी रेसिपी दे रखा है, आप देख सकती हैं उसमें भी। नेक्स्ट यहाँ पे स्वीटेंड कंडेंस मिल्क, जो मीठा वाला कंडेंस मिल्क होता है वो मैं यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पे हमने क्या करना है, इन सबको डाल करके कंडेंस मिल्क की क्वान्टिटी इसमें रहेगी अबाउट 5 to 6 टेबल स्पून, या फिर ऑन टू योर टेस्ट, आप जितना मीठा इसमें पसंद करते हैं उतना आप ऐड कर लें। इन सबको ग्राइंडिंग जार में डाल करके मैं एक बार इसे ब्लेंड कर लेती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। ब्लेंड करने के बाद मिलते हैं। ये देखिए, ये मैंने इसको ब्लेंड कर लिया। ब्लेंड करने के बाद इसे हम लोग एयर टाइट कंटेनर में ट्रांसफ़र करते हैं। सबसे पहले दिखाती हूँ ट्रांसफ़र करके। ये देखिए मैंने इसे ट्रांसफ़र कर लिया है, और अब इसमें हम लोग ऐड करते हैं थोड़ा सा चंक्स, स्ट्रॉबेरी चंक्स। ये अबाउट 2 स्ट्रॉबेरी लार्ज साइज़ की लेकर मैंने इसका चंक्स बना लिया है, और इसे सिंपली हम लोग इस तरीके से कर देते हैं ताकि सारा इसमें मिक्स हो जाए इस तरीके से। और अब इसके हम लोग कवर लगा देते हैं। कवर लगा के इसे फ्रिज में छोड़ देते हैं, फ्रीज़र में फॉर अबाउट 6 to 8 आवर के लिए। हम लोग इसे एयर टाइट कंटेनर में कवर करके छोड़ देते हैं और फिर मिलते हैं आफ्टर 6 to 8 आवर्स। ये देखें आइसक्रीम हमारी सेट हो गई है, और इसे अब हम लोग निकाल लेते हैं। ये देखें इस तरीके से, देखें ये अच्छे से निकल जा रही है हमारी, बहुत अच्छे से एकदम क्रीमी हो चुकी है ये। तो ये देखिए इस तरीके से हमारी ये बेहतरीन से स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम रेडी होती है। इस तरीके से मैंने स्ट्रॉबेरी से इसे गार्निश किया है, बहुत ज़बरदस्त सी बनती है। ज़रूर ट्राई करें और कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करें कि आपको हमारी ये स्ट्रॉबेरी की रेसिपी किस तरीके की लगी। दोबारा से मुलाकात होगी और भी लजीज रेसिपीज़ के साथ। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ, दुआ में याद रखें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।